2010 में अगर आपने ये 50 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज आपके पास 3 से 4 करोड़ रुपए होते। What? 2010 में एक बिटकॉइन कीमत $0.08 यानी कि 6-7 रुपए के आसपास था, लेकिन आज 2021 में इसकी कीमत 45 लाख रुपीज है। बट क्या आपको पता है कि ये जो बिटकॉइन है और अदर क्रिप्टो करेंसीज है ये हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ये जो बिटकॉइन है या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज है इनकी माइनिंग होती है, तो ये माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को सोल्व करने के लिए काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स। और आपने तो पढ़ा ही होगा ना एनवायरमेंट के लिए फॉसिल फ्यूल्स कितना हानिकारक है। कैम्ब्रिज स्टडी के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग में मोर देन 120 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बराबर है अर्जेंटीना मलेशिया स्वीडन कंट्री इलेक्ट्रिसिटी के बराबर। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मतलब एनवायरमेंट को नुकसान। अब समझ आया।